हम यह देख रहे हैं MIS की जानकारी के थ्रू आप अपने प्राचार्यों की, अपने विद्यालय के प्राचार्य की जानकारी को कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो MIS में अपने एक ऑप्शन है, तो किस तरह से उसको करना है ये हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको MIS की जानकारी को अपडेट करने के लिए सबसे पहले डाइस कोड डालना होगा अपना, और उसके बाद में आप इसका पासवर्ड जो भी डालना है वो डालेंगे, लॉग इन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपका ये MIS की जानकारी भरने के लिए आपको ये सबसे ऊपर में MIS लिखा होता है, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद अपना वर्ष का चयन करना, जैसे 2023-24 सत्र चालू हो गया तो 2023 आ चुका है, 2023 को सिलेक्ट करेंगे। और जैसे यहाँ पे सभी फील्ड दिखा रहा है, फिर भी हम इसको खोल के देखते हैं। यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को चेक करना होगा पहले, आई एग्री। एग्री पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आगे बढ़ेगा, और उसके बाद में फिल फॉर्म पे आपको क्लिक करना होगा। फिल फॉर्म पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पहला फॉर्म आ जाएगा, संस्था की मूलभूत जानकारी को दर्ज करें। तो यहाँ आप 2023 को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ जैसे ही आप 2023 को सिलेक्ट करते हैं तो ये जानकारी आ जाती है। अब ये यहाँ पे देखिए, आपको ये सारी जानकारी को तो फिल करना ही है, लेकिन यहाँ प्रभारी प्राचार्य और प्राचार्य का नाम दिखाता है, यहाँ दिखा रहा है इसमें जो पुराना प्राचार्य है वो। अब इसे हमको अपडेट करना है तो यहाँ पे अगले ऑप्शन में यहाँ पे दिख रहा है क्या उपरोक्त प्रदर्शित प्राचार्य की जानकारी सही है। तो ये जानकारी मान लीजिए सही नहीं है, प्राचार्य यहाँ से चला गया है और नया प्राचार्य आ गया है, तो यहाँ पे हाँ की जगह आपको नहीं करना है। और जैसे ही आप नहीं करेंगे तो ये जो लॉक ऑप्शन था ये ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा, और यहाँ पे आप अपनी जानकारी को जो नया प्रचार है उससे बदल सकते हैं, और उसका पदनाम वगैरह भी यहाँ पे आप दे सकते हैं जो भी पदनाम है। इस तरह से आप अपने पुराने प्राचार्य को नए प्राचार्य में अपडेट कर सकते हैं। तो ये MIS के थ्रू आप अपने प्राचार्यों की जानकारी को अपडेट कर सकते हैं। और उसके बाद में सारी जानकारी भरने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट करते हैं आप, तो आप आगे के जो प्रोसेस, आगे के जो स्टेप है उसमें आप जा सकते हैं। जैसे ही आप सेव करेंगे तो ये बोलेगा डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, ओके, और फिर आप नेक्स्ट करके जा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने प्राचार्यों की जानकारी को अपडेट कर सकते हैं। तो बाकी के ऑप्शन भी इसी तरह से आपको भरना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों और साथियों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि आप हमारी अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को मिस ना कर दें। अगर आपके पास भी कुछ सुझाव या सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद आपका समय देने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म, गुड बाय, और ध्यान रखें।